हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ ज्योति की कुकिंग पाठशाला में। और आज मैं आप सभी को खीर के साथ पिस्ता बर्फी बना करके दिखाने वाली हूँ, जो कि काफी डिफरेंट रहती है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स, बर्फी बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं खीर के साथ पिस्ता बर्फी। पिस्ता बर्फी देखने में जितनी यम्मी दिख रही है, खाने में उतनी ज्यादा टेस्टी है। और आप इसे देख सकते हो कि ये कितनी परफेक्ट तैयार हुई है। ये आप 2 से 3 दिन तक बना करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हो और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। मैं आपको एक पीस तोड़ करके दिखा रही हूँ कि हमारी बर्फी कितनी परफेक्ट तैयार हुई है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और आगे आप मुझसे क्या बनवाना चाहते हो। पिस्ता बर्फी बनाने के लिए हमने कढ़ाई के अंदर खीस डाला है। खीस गाय या भैंस की प्रेगनेंसी के बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है उसे कहते हैं। तो अगर आपके पास खीस अवेलेबल है तो आप खीस डालिएगा, नहीं तो आप इसकी जगह पे फुल क्रीम मिल्क डाल सकते हो। फुल क्रीम मिल्क से भी पिस्ता बर्फी काफी टेस्टी बनेगी और काफी यम्मी बनेगी। तो इसी तरह से इसके अंदर दूध डालने के बाद चम्मच से हिलाते हुए बिल्कुल धीमी आंच पर इसी तरह से पकाएंगे। यहाँ पर खीस पकने लगा है और बर्तन से चिपकने लगा है, तो चम्मच से हिलाते हुए साइड से छुड़ाते हुए इसे इसी तरह से पकाएंगे। और दूध की कंपैरिजन में ये खीस बहुत ही जल्दी पकने लगता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हम अगर दूध से भी बर्फी बना रहे हैं तो चम्मच से लगातार हिलाते हुए इसे पकाना है, ताकि बर्तन से ये चिपके नहीं और बर्तन में जले नहीं। तो कुछ देर के लिए इसी तरह से इसे पकाएंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर कंटिन्यू चम्मच से हिलाते हुए हम इसे पका रहे हैं और ये काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो इसी तरह से कुछ देर के लिए इसे और पकाना है, जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए, बिल्कुल सूख ना जाए। इसी स्टेज पे हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे और शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 बाउल से भी कम शुगर ऐड किया है, जिससे कि इसके अंदर नॉर्मल मीठा हो जाएगा। अगर आपको मीठा तेज पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ा और शुगर ऐड कर लीजिए। अब बिल्कुल धीमी आंच पर चम्मच से हिलाते हुए इसे कुछ देर के लिए और पकाएंगे। यहाँ पर शुगर मेल्ट हो चुकी है, उसने पानी छोड़ दिया। आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से हम इसे कंटिन्यू चम्मच से हिलाते हुए पका रहे हैं। अभी इसे बिल्कुल धीमी आंच पर कुछ देर के लिए और पकाएंगे, जब तक कि ये बिल्कुल सूख ना जाए। बिल्कुल धीमी आंच पर कंटिन्यू चम्मच से हिलाते हुए हमने इसे पका लिया है और इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है। इस स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब ये इलायची पाउडर है और फैलाते हुए इसके अंदर डाल देंगे। अब इलायची पाउडर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इलायची पाउडर से इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छे से इसके अंदर इलायची पाउडर को मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इलायची पाउडर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पर एक कंटेनर लिया है, इसको हम रिफाइंड ऑयल या फिर देसी घी से अच्छे से ग्रीस करेंगे। चारों तरफ से इसे अच्छे से ग्रीस करना है, जिससे कि बर्फी इसमें से बिल्कुल आराम से निकल जाएगी। ग्रीसिंग के बाद इसके अंदर एक बटर पेपर अच्छे से सेट करेंगे और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप इसमें बटर पेपर लगाएं, नहीं तो स्किप कर दें। अब बटर पेपर को भी एक बार अच्छे से ग्रीस करेंगे और चारों तरफ से इसकी ग्रीसिंग कर लेंगे। खीस को हमने मिक्सी जार में डाल करके पीस लिया है, जिससे कि इसके अंदर कोई भी गांठ या गुठली ना बने। और उसे हमने वापस कढ़ाई के अंदर डाल लिया है, जो कि मैं आपको पहले दिखाना भूल गई हूँ। और कंटेनर में इस खीस को डालेंगे और चम्मच से दबाते हुए अच्छे से सेट करेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल इक्वल हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से चम्मच से प्रेस करने से ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है, बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं रहता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर खीस कितने अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर से लंबे और पतले चॉप किए हुए पिस्ता को डाल देंगे। इन्हें फैलाते हुए इसके ऊपर डालें। पिस्ता
पिस्ता डालने के बाद अपने हाथ से या फिर किसी चम्मच से या फिर जो बर्तन नीचे से फ्लैट हो उससे आप इसे प्रेस करते हुए अच्छे से पिस्ता को बर्फी के अंदर सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं चम्मच से प्रेस करते हुए पिस्ता को इसके अंदर अच्छे से सेट कर रही हूँ। मैंने इस बर्फी के अंदर ऊपर ऊपर पिस्ता डाला है। अगर आपको पिस्ता ज़्यादा पसंद है तो आप इस पेस्ट के अंदर भी पिस्ता को ऐड कर सकते हो। मैंने स्किप किया है और इसी तरह से चम्मच से दबाते हुए सारे पिस्ता को इसके अंदर अच्छे से सेट कर देंगे। कंटेनर में पेस्ट बर्फी बनने के लिए अच्छे से सेट हो चुका है। इसी तरह से हमने एक थाली के अंदर भी पेस्ट को डाल दिया है और उसी तरह से पिस्ता को ऊपर से फैलाते हुए चम्मच से दबाते हुए अच्छे से सेट कर देंगे। यहाँ पर बर्फी बनने के लिए दोनों ही चीजों में अच्छे से पेस्ट को सेट कर दिया है और रूम टेम्परेचर पर 3 से 4 घंटे के लिए इसे रेस्ट पे रख देंगे। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप इसे फ्रिज में रख करके 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख सकते हो। यहाँ पर हमारी बर्फी बन करके तैयार है और किसी भी नाइफ से इसकी किनारियों को बर्तन से अलग करेंगे। यहाँ पर एक प्लेट लेंगे और थाली को कवर करने के बाद थाली को प्लेट के अंदर पलट देंगे। थोड़ा सा थपथपाते हुए बर्फी को बिल्कुल आसानी से प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर बर्फी प्लेट के अंदर निकल चुकी है। दूसरी प्लेट से इसे कवर करते हुए एक बार दोबारा से पलट देंगे जिससे कि जो गार्निशिंग का हिस्सा है वो ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी बर्फी देखने में कितनी यम्मी दिख रही है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये सेट हो चुकी है। किसी भी नाइफ से आप बर्फी के पीस कट करेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से ये पीस कट हो रहे हैं। हमारी बर्फी काफ़ी क्रीमी और यम्मी बनकर के तैयार हो चुकी है। आप इस बर्फी को कभी भी किसी भी टाइम बना सकते हो। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे किसी भी ओकेजन पर तैयार कर सकते हो और बनाने के बाद आप इसे 6 से 7 दिन तक फ्रिज में रख करके स्टोर कर सकते हो। जब भी आपका मन करे आप इसे खा सकते हो। आप इसे घर पे रखे सामान से बना करके तैयार कर सकते हो और बहुत ही कम खर्च के साथ बहुत ही कम टाइम में बिल्कुल आसान तरीके से ये बन करके तैयार हो जाती है। तो देखिए पीस कट करने के बाद मैं आपको पिस्ता बर्फी दिखा रही हूँ कि हमारी बर्फी कितनी परफेक्ट तैयार हुई है। आप इसे किसी भी फास्ट में बना करके तैयार कर सकते हो, किसी भी ओकेजन पे बना सकते हो या फिर आपका जब भी कभी मन करे आप इसे बना करके तैयार कर सकते हो। ये बर्फी बिना किसी केमिकल बिना किसी फूड कलर के तैयार की है और ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आप इसे बार बार बनाओगे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और आगे आप मुझसे क्या बनवाना चाहते हो। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके दे सकते हो। और इसके साथ ही मैं आपको एक बर्फी तोड़ करके दिखा रही हूँ कि हमारी बर्फी कितनी क्रीमी और यम्मी तैयार हुई है। तो आप भी एक बार बना करके जरूर देखिएगा। मैंने आपको कई तरह की बर्फी बना करके दिखाई जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारी खीर के साथ पिस्ता बर्फी बनकर के तैयार है और देखने में कितनी यम्मी है, वो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके खीर के साथ पिस्ता बर्फी कैसी बनी और घर परिवार सभी को कैसी लगी। आप इसे सिंपल दूध से भी बना सकते हो, उसके साथ भी काफी टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।